सर्दियों में बैंगन का भरता हम अक्सर बनाते हैं। इस टाइम में ना जो हरे प्याज मिलते हैं ना, उससे बैंगन का भरता बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आज हम बनाएंगे बैंगन के भरते की एकदम इजी और एकदम टेस्टी रेसिपी। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। बैंगन का भरता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो बड़ी साइज के बैंगन लिए हैं। सबसे पहले ना हम ये पीछे वाला जो पार्ट है ना, उसको इस तरह से छुरी की मदद से हटा देंगे ताकि बैंगन को सिकने में आसानी रहेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, बैंगन में इस तरह से ना कट लगाएंगे, इससे बैंगन आसानी से सिक जाएगा और अगर खराब पार्ट है तो वो भी हमें दिख जाएगा। अब हम ना बैंगन के ऊपर ऑयल लगा लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा ऑयल डाल के ब्रश से ना सारे बैंगन के ऊपर हम ऑयल को अच्छे से लगा लेंगे। तेल लगाने से ना बैंगन अच्छे से सिक जाएंगे। तो देखिए मैंने गैस भी ऑन कर लिया है। अब इसके ऊपर ना हम दोनों बैंगन रख देंगे और बैंगन को ना हमें चारों साइड से ऊपर नीचे से हर तरह से ना अच्छे से पका लेना है। तो इसे ना थोड़ी थोड़ी देर में घुमा घुमा के हम पकाते रहेंगे। बैंगन को सेकते टाइम हमें खास ध्यान रखना है कि ये ना कच्चे नहीं रहने चाहिए, वरना भरता अच्छा नहीं बनेगा। तो देखिए हमारे बैंगन अच्छे से सिक चुके हैं। तो अब हम बैंगन को एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। और अब मैंने यहाँ पे 6 भरे प्याज लिए हैं। वैसे हम भरता नॉर्मल वाले प्याज से बनाते हैं, लेकिन ये हरे प्याज से ना भरता बहुत ही टेस्टी बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि प्याज को कट कैसे करना है। देखिए चाकू से मैं काट रही हूँ तो प्याज ना अच्छे से कट नहीं रहे, और अब ना हम कैंची से काटेंगे। तो देखिए कैंची से ना एकदम राउंड शेप में प्याज कटेंगे, तो ये दिखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। और चाकू की जगह ना कैंची से एकदम इजीली प्याज कट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम सारे प्याज को काट लेंगे। तो देखिए सारे प्याज को मैंने काट लिया है। तो अब हम ना भरते की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे बैंगन ठंडे हो चुके हैं, तो इसके ना ऊपर के जो छिलके हैं इसे हमें निकाल लेना है। बहुत लोग क्या करते हैं, छिलके को निकाल के इसे वॉश करके बनाते हैं, लेकिन इसे ना वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो जला हुआ फ्लेवर आता है उसी से भरता बहुत टेस्टी बनता है। तो देखिए चाकू की मदद से इस तरह से बैंगन को काट के भी देख लेंगे, कोई ख़राब पार्ट है तो इसे निकाल सकते हैं। और अब ऊपर वाले इस पार्ट को भी हम चाकू से निकाल लेंगे। और अब पैन में हम तेल को गर्म करने के लिए रखेंगे। बैंगन के भरते में ना थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ पे करीब 6 से 7 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल के गर्म होते ही उसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और साथ में ही ये कटे हुए हरे प्याज डाल देंगे। थोड़े से प्याज हम बचा लेंगे जो बाद में गार्निशिंग के लिए काम आएंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और अब इसके बाद इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे और साथ में ही मैं यहाँ पे ये हरे मटर डाल दूंगी। बैंगन के भरते में हरे मटर का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो अब इन सबको ना अच्छे से मिलाएंगे और 1 मिनट के लिए अच्छे से सौते कर लेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट बनाई है वो डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। और साथ में ही थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इन सबको ना हम अच्छे से सौते कर लेंगे। प्याज और लहसुन अच्छे से पक जाए उसके बाद इसमें हम टमाटर डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं वो डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। नमक हमने ऑलरेडी मिलाया हुआ है, तो अब हम ना टमाटर के सॉफ्ट होने तक इसे पका लेंगे। तो अब इसे ना हम ढककर 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अगर आप चाहो तो टमाटर की ग्रेवी बना के भी डाल सकते हो। तो 2 मिनट के बाद चेक कर लेंगे टमाटर अच्छे से पके हैं या नहीं। तो देखिए टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। तो इस तरह से हम स्पैचुला की मदद से टमाटर को मैश कर लेंगे। और अब हम इसमें 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून जितनी हल्दी पाउडर डालेंगे और ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो। और अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। और अब ना हमें मसालों को सबसे पहले 1 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है प्याज और टमाटर के साथ। उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, नमक आगे भी डाला है तो एडजस्ट करके डाल देंगे। और अब हमने जो बैंगन को मैश करके रखा है वो डाल देंगे। मैंने इसे चाकू की मदद से ही हल्का सा मैश कर लिया है। और अब हम ना एक पाव भाजी मैशर लेंगे और इससे हम बैंगन को अच्छे से मैश कर लेंगे। ऐसा करने से ना बैंगन अच्छे से मसालों के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो देखिए मैंने अच्छे से मैश कर लिया है
और अब इसे हमें धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है। तो इसे हम ढककर 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। तो देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और बैंगन का भरता बनके बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों इस तरह से एक बार बैंगन का भरता बना के जरूर ट्राई करना। सर्दियों में ये गर्मा गर्म भरता खाने का बहुत ही मजा आ जाएगा। ऊपर से हम थोड़े से धनिया के पत्ते डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो हमारा गर्मा गर्म बैंगन का भरता रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसे पराठे, भाखरी या फिर बाजरी के रोटलों के साथ सर्व कर सकते हो। उसके साथ ये भरता बहुत ही टेस्टी लगेगा। सर्दियों में ताज़ी ताज़ी हरी सब्जियाँ बहुत मिलती है, तो ये भरता बना के एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लगी। ऊपर से हरे प्याज से गार्निश कर लेंगे और ये हमारा गर्मा गर्म बैंगन का भरता रेडी है। तो दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलेंगे विंटर स्पेशल एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।